जय जय भोलेनाथ दोस्तों, 3:32 हुई है। जैसा आज मैंने बोला था कि एक बार आपको 20,000 के दर्शन कराएगा, आज मूवमेंट नहीं रहेगी। मैंने आपको बोला था ऑल टाइम आई बाबा जी का घंटा भी नहीं मारेगा, ये भी मैंने बोला था, ठीक है। जबकि आज इजीली मार सकता था ऑल टाइम हाई, इजीली मंथ एंड को इजीली ऑल टाइम हाई पे क्लोज कर सकता था इजीली, क्योंकि कल की क्लोजिंग 131 थी फ्यूचर में, ठीक है। अब लास्ट ट्रेड कहाँ पे हो रहा है, 134। अगर आप फ्यूचर को देखो तो खाया पिया कुछ नहीं, ब्लास्ट थोड़ा पाना आना, लेकिन 20,006 आया सुबह ये ओपनिंग दिखाने के बावजूद, 146 की ओपनिंग दिखाने के बावजूद सुबह 20,006 दिखा दिया। ये प्रूफ है, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, स्पॉट में पता नहीं मुझे कितना आया, क्योंकि ट्रेडिंग तो हम इसमें करते हैं फ्यूचर में, बट स्पॉट में भी कुछ कम ही आया होगा, देखते हैं स्पॉट में क्या है। स्पॉट में 20,015 है, स्पॉट का हाई 158 का बनाने के बावजूद, है ना। तो ये आप देखिए इंपॉर्टेंट है, 131 की ओपनिंग स्पॉट में भी थी, कोई ताकत नहीं हुई, बिल्कुल नज़दीक था, चाहता तो आराम से बना सकता था, लेकिन आज जो जो माल लेके गया है वो कल सर पे हाथ धर के रोएगा, ये मेरा वादा है। अब 20,222 को कोई इंपॉर्टेंट फिगर मत मानिए, अब मंदी को इम्पोर्टेंट, अब मंदी क्या होगी वो सुन लीजिए। नवंबर फिनिश्ड, पहला टारगेट कल तक का टारगेट लिखिए, कल तक का 19,875, कल तक का, वर्स्ट केस में मंडे तक का, वर्स्ट केस में मंडे तक का, लेकिन मंडे तक मैं 19,730 देख रहा हूँ, कितना देख रहा हूँ, 19,730। और मेरा ओवरऑल 14 तारीख तक का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, 18,500 प्लस माइनस 100 पॉइंट, यानी कि 18,600 भी आया तो टारगेट माना जाएगा, ये मेरे टारगेट्स है। और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट आज हो गया हूँ, आज की जो मूवमेंट, मैं क्यों कॉन्फिडेंट हो गया था वो भी सुना बता देता हूँ। आज सुबह 146 की फ्यूचर में ओपनिंग किया और उसके बावजूद 20,006 लेके गया, और उसके बाद वापस से आया और ये 152 का हाई भी बनाया, तो भी वापस से 20,055 कम से कम फ्यूचर में 6 बार लाया, 5 से 6 बार, और वहाँ से 130 जाता था फिर 55 आता था। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और क्या हुआ आज सुनिए, ये हाईएस्ट एवर क्लोजिंग हुई आज निफ्टी में, हाईएस्ट एवर क्लोजिंग, क्यों देखिए सिक्वेंट का चार्ट कौन लगा दिया, मैंने ही लगा दिया था क्या, अच्छा जी मैंने डिलीवरी में बाय करवाया था, निफ्टी अरे खुल गया रे बाबा, एक तो लैपटॉप में पता नहीं नेट का क्या हो गया, तो हाईएस्ट एवर क्लोजिंग हुई। तो अब आज तो शाम को सब आएगा, एग्जिट पॉल और जीडीपी डाटा, कल आपका शुक्रवार, आपको पता फ्राइडे इज ए फ्राइडे गेम चेंजर, और हम गुरुवार को टॉप बना दिए हैं टॉप। और ये जो क्लोजिंग आप लोग हमेशा याद रखिएगा, 20,133 की क्लोजिंग जनवरी तक आपको नहीं मिलने वाली है, जनवरी मतलब स्टार्ट ऑफ जनवरी तक नहीं मिलने वाली है, दिसंबर महीने में इसके ऊपर की क्लोजिंग आप आशा भी मत करना। मैं क्लोजिंग बेसिस आपको बता दिया, पूरे दिसंबर में इसके ऊपर मार्केट नहीं क्लोज करेगा, करना होगा अगर आज 5 स्टेट में बीजेपी को दिखा दिया तो कल ही करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, लिख लीजिए आप। आज मैं बड़े दावे से क्यों बोल रहा हूं कि आज की जो मूवमेंट, मैं सिर्फ मूवमेंट ट्रैक कर रहा था सबको मैंने, और रिलायंस मैं बोल रहा था कि मंडे को रिलायंस बाय कर लीजिएगा, रिलायंस पूरे दिसंबर महीने का अकेला हीरो होगा,
और मार्केट पूरा नेगेटिव रहेगा, रिलायंस पूरा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन सब मंडे से देखिएगा, कल से मत देख लीजिए। अब निफ्टी की क्लोजिंग देख लेते हम लोग कि एक तो यार ये बड़ा टाइम लेगा इसमें, मेरे ख्याल में ये हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है, नहीं 192 की क्लोजिंग है, सॉरी 192 की क्लोजिंग मारा था गैस ने, हाँ 200 बाई, तो ये हाईएस्ट एवर क्लोजिंग भी नहीं है सर, सॉरी 192 का हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है और आज 132 का हाईएस्ट एवर क्लोजिंग, सेकेंड हाईएस्ट क्लोजिंग होगा शायद ये, क्योंकि अगले दिन क्या क्लोज किया, अगले दिन 133, आज क्या हुआ 133, ये क्लोजिंग बेसिस आज डबल टॉप बनाया। देखिए आप अगर हम इसको लाइन चार्ट कर देंगे तो क्लोजिंग बेसिस एक परफेक्ट डबल टॉप हुआ आज, क्लोजिंग बेसिस आज एक यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का चार्ट लगा लेते हैं, यहाँ देखिए क्लोजिंग बेसिस एक डबल टॉप हुआ इस जगह से, 133 की क्लोजिंग आपको यहाँ पे दिखेगा ना, यहाँ कर्सर रखूँगा तो आप देख लीजिएगा, 133 की क्लोजिंग आई थी 18/9 को और आज भी 133 की क्लोजिंग है, ये डबल टॉप ऑफ क्लोजिंग हुआ और 133 की क्लोजिंग के बाद आप देख लो क्या होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ पिक्चर बनने वाला है और मुझे तो निफ्टी इसके काफ़ी नीचे लगता है, 800 के भी नीचे लगता है, 18800 के भी नीचे लगता है। और आज FIs के आंकड़े भी देख लीजिएगा आप लोग, मैं सरप्राइज हो जाऊंगा कि अगर आज उनके बहुत बाइंग के आंकड़े आएंगे, क्योंकि अब तो नई सीरीज में एंट्री हो गई, क्योंकि आज उनको सौदा स्क्वायर अप करना ही था तो आज वो बेच के ही गए होंगे, देख लीजिएगा। तो ये एक ये वाला दिस इज डबल टॉप, परफेक्ट डबल टॉप बना। अब पहला निफ्टी को सपोर्ट ही यहाँ पे, ये क्या रेंज है 1900। देखिए आप दो फिगर लिखिए, ये दोनों फिगर या तो कल या मंडे को डेफिनेटली आपको देखने मिलेंगे, 1970 ये पहला टारगेट है मिनिमम मंडे तक का, और 19730 ये दोनों फिगर या तो कल ही दिख जाएंगे या मंडे तक दिखेंगे आप, 19 बोल रहा हूँ, हाँ। और मेरे ये टारगेट्स नहीं है, टारगेट है मेरे 18514 दिसंबर तक प्लस माइनस 100 पॉइंट। और इस 133 के ऊपर एक भी क्लोजिंग होती है, एक सिंगल, दो की दरकार नहीं है, ठीक है। 192 आज तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है, उसको मत देखिए, 192 इज़ द हाईएस्ट एवर क्लोजिंग, ठीक है। मैं इससे एक कदम नीचे वाली क्लोजिंग को बोल रहा हूँ जो 18/9 को भी बनी थी और आज भी बनी। तो सिंपली शाम को एग्जिट पोल देखिए मजे से, और मैं आपको बता दिया हूँ कि निफ्टी के लिए ये तैयारी रखिएगा, ना कि आप 21,000 की तैयारी रखिएगा। हाँ, अगर कोई रिजल्ट ऐसा आ जाए कि पांचों स्टेट या चार स्टेट में बीजेपी जीत रही है, देन आई कांट डू एनीथिंग, ठीक है। अगर जो भी ये लेवल अगर टूटना होगा तो कल ही टूटेगा, अदरवाइज ये आपको पूरे दिसंबर महीने में इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, ओनली टुमोरो पॉसिबल इफ एग्जिट पोल शोज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाटाज अबाउट बीजेपी, कि बीजेपी विनिंग इन 4 states or 5 states, then I'm extremely sorry, yeah? अब आज की मूवमेंट को हम ट्रैक कर लेते हैं कि कैसा हुआ आज। हम यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं, आपको दिखा देता हूँ आज क्या किया मार्केट ने। देखिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मार्केट का आज गेम क्या। कैंडल लगा रहे भाई,
अब देखिए आज क्या हुआ, टाइम देखिएगा, 9:15 की कैंडल टॉप है, क्या है 9:15 की कैंडल पहले, सबसे पहले का टॉप आज का, उसमें क्या बनाया मार्केट ने, ये 5-5 की कैंडल बता रहा हूँ आपको, ओनली 5 मिनट्स की, तो दिस इज 9:15 टुडे, ठीक है, और ये आज का हाई था 20,131 उस समय, ठीक है, 20,136 सॉरी, और ओपन किया 108 पे, इमीडिएटली इसने यहाँ पे पहुँचा दिया आपको, कितनी देर में देखिएगा, 10:05 पे आपका लो दिखा दिया इसने 20,015 का, 20,136 का हाई बना के 9:15 पे 20,136 का हाई बनाया 9:15 की कैंडल पे, और 10:05 की कैंडल पे 20,015, तो मैंने 20,000 आपको बोला था आज एक बार इसको आना ही पड़ेगा, ये आया नॉट इवन 1 आवर, क्योंकि 9:15 पे ये कैंडल बनी और 10:05 पे ये बना, तो 50 मिनट के अंदर अंदर इसने ये भाव दिखा दिया, उसके बाद देखिए रैली किया लेकिन इसको नहीं तोड़ रहा, ठीक है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, इसको नहीं तोड़ रहा है, आखिरी में इसको तोड़ा, देखिए ये सुबह के हाई को आखिरी में तोड़ा, ध्यान दीजिएगा आखिरी में क्यों तोड़ा, क्योंकि आज एक्सपायरी है, तुम शॉर्ट कवरिंग करोगे, ठीक है, एट एनी कॉस्ट, तुमको शिफ्ट भी करना तो इस वाला को तो बाई करोगे तभी अगले वाला बेचोगे, और देखिए लास्ट कैंडल में क्या किया, देखिए यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग लास्ट कैंडल आज की 5 मिनट वाली, पता रहता है कि 3:25 तक सब लोग काटते हैं, तो 3:25 वाली कैंडल ने आज का टॉप बनाया 20,156, ध्यान दीजिएगा 3:25 की कैंडल ने आज का टॉप बनाया, 3:20 से 3:25 मतलब 3:20 से, ये 5-5 की ना, 3:20 से 3:25 वाली कैंडल ने सुबह वाले हाई को तोड़ा 136 वाले, ये सुबह का हाई है, 9:15 से 9:20 की कैंडल है ये, 9:15 to 9:20 5 मिनट की कैंडल, ये हाई कब जाके टूटा, 3:20 से 3:25 वाली कैंडल में, और नया हाई बना 156, ध्यान दीजिएगा हाँ, और आखिरी कैंडल ने क्या किया, 3:25 से 3:30 वाली में इस कैंडल को पूरी तरह एंगल्प कर लिया, बहुत इंटरेस्टिंग, ये कैंडल्स आपको स्टोरी बता के जा रही है कि आज क्या हुआ है, आखिरी 5 मिनट की कैंडल अगर आप देखोगे तो उसने वापस ला दिया इसको 127 पे और लोवेस्ट एंड पे क्लोज किया इसको, तो 30 पॉइंट झटके से गिरा दिया इसने 5 मिनट की कैंडल, तो सुबह के हाई के नीचे लास्ट कैंडल को क्लोज किया, सुबह का हाई कितना था 136, चाहता तो लास्ट कैंडल को भी 136 के ऊपर क्लोज कराता, नहीं कराया, तो ये देखिए इसको अगर बॉक्स बनाओगे आप, सॉरी, तो ये पूरे दिन कोई ब्रेकआउट नहीं दिया इसने, 3:20 पे ब्रेकआउट दिया और सेकंड कैंडल ने ब्रेकआउट को फेल कर दिया, क्योंकि वापस से ब्रेकआउट के अंदर घुस गया सेकंड कैंडल, तो बहुत क्लियरली एग्जिट पोल शुड बी इंटरेस्टिंग और आज का जीडीपी डाटा भी इंटरेस्टिंग रहना चाहिए, मुझे बहुत देखिए यहाँ से 222 आना बहुत बड़ी बात तो है नहीं, आज 156 मार दिया, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है अगर कल का दिन भोलेनाथ ने मेरी रक्षा कर ली कि आज एग्जिट पोल थोड़े से भी अगेंस्ट द गवर्नमेंट आए, तो जो 20,133 की क्लोजिंग है ये एक बार आज मारी है और एक बार 18:09 को आई थी, देख लेते हैं डेली चार्ट लगा के, एक बार ये 18:09 को आई थी, ये 18:09 को
18 सितंबर को 20133 की क्लोजिंग है और आज भी 20133 की क्लोजिंग है। खाली एक दिन ये 192 का क्लोज किया था, कब? जिस दिन 20222 बनाया था। तो यहाँ पे भी टॉप पे क्लोज करके, ध्यान दीजिएगा, टॉप पे क्लोज करके वापस से यहाँ ला दिया इसने, और आज भी इस रैली में ये टॉप पे क्लोज हुआ है, एक मंथ एंड पे यहाँ लाएगा इसको। और सबसे इंटरेस्टिंग बताता हूँ, हम लगभग ऑल टाइम हाई पे आ गए। नाउ लुक एट रिलायंस भाई, आप लोग बोलते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज रिलायंस का है, करेक्ट है कि नहीं? सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? रिलायंस का। मैं दिखाता हूँ आपको एक एक चीज़। व्हाई आई एम सेइंग दिस कि मार्केट एक नकली तेजी करके आया है। ये रिलायंस का चार्ट है और ये मैं आपको पूरे एक साल का हाई दिखा देता हूँ या दो साल का दिखाता हूँ, ठीक है? पूरे दो साल का हाई है इसका 2856। कितना? 2856 यहाँ था ये, और ये आज कहाँ पे है? आज रिलायंस है 2383 और हम ऑल टाइम हाई छू रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, रिलायंस यहाँ पे 2856 था, वो आज खड़ा है 2383 पे और हम ऑल टाइम हाई छू रहे हैं, ठीक है? रिलायंस जिसको आप बोलते हैं हाईएस्ट वेटेज, ठीक है? 2856 कौन सी डेट को आया था वो भी देख लीजिए। April 29, 2022 को आया था, और ज़्यादा दूर भी नहीं जाता हूँ, थोड़े दिन पहले 20/7 को इसने 2630 बनाया, आज वो 2383 पे, और तुम ऑल टाइम हाई बना रहे हो। रिलायंस, HDFC बैंक, ये सब को आप टॉप वेटेज वाले स्टॉक मानते हो ना निफ्टी का, करेक्ट है कि नहीं? HDFC बैंक व्हाट इज़ द हाई इन लास्ट टू इयर्स, या अभी का भी मान लीजिए, अभी रिसेंटली क्या हाई बनाया? ₹1757 का हाई था 3 जुलाई का, अभी खड़े हैं महाराज 1550 के आसपास। हाईएस्ट वेटेज है ना बैंक निफ्टी में इसका, करेक्ट? 1700, और निफ्टी का भी बहुत बड़ा वेटेज ये रखता है, तो 1757 बनाया था इसी जुलाई में। और छोड़िए, ये देखिए, ₹1757.50 3 जुलाई, और ये कितना? 1722 पहले का हाई था, ये नया हाई बनाया था 1757 3 जुलाई को, और अभी खड़ा है 1583 पे और हम ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, ठीक है? दो दिखा दिया आपको, रिलायंस और HDFC, इन दोनों का बहुत बड़ा वेटेज आपको सबको मालूम। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हमारा सबसे ज्यादा वेटेज किस पे है? SBI। कहाँ था SBI? 630, आज कहाँ खड़ा है? 565, हम ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। अच्छा चलिए IT पे आ जाते हैं, इंफोसिस, ठीक है? दो साल में कहाँ था देख लेते हैं। इंफोसिस था ₹1923 और आज खड़ा है ₹1455 और हम ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। TCS देखिएगा बॉस, ये कैसा गेम सेटिंग करके लोगों को ट्रैप करते हैं। TCS देखते जाइए, इन्हीं सब का ज्यादा वेटेज आप चेक कर लीजिए, कभी आप लोग देखते नहीं हो ना, तो ये सब चीजें आपको कोई दूसरा बताने की कोशिश ही नहीं करता। ये साला 3800 4000 का भाव था, है
और ये आज खड़ा है 3400 पे और हम बना रहे हैं 3480 पे, ऑल टाइम हाई। टेक महिंद्रा, TCS, और क्या दिखाऊँ आपको, हाँ एक L&T टॉप पे है मान सकता हूँ, ठीक है। तो ये जितने वेटेज हम देख लेते हैं, वेटेज वेटेज निफ्टी स्टॉक वेटेज देख लेते हैं, ठीक है। निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, मतलब कौन सा स्टॉक बढ़ेगा तो निफ्टी ज़्यादा बढ़ेगा, देख लेते हैं करंट में किसका वेटेज ज़्यादा है। ये देख लेते हैं, हाँ क्या NSE की साइट में देखें क्या, ये बेकार है, ये देख लेते हैं। अभी मैंने क्या क्या स्टॉक की चर्चा की, रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS, SBI, है ना। अब इनका वेटेज देखिएगा, सबसे ज्यादा वेटेज यही रखता है भाई, 11% अकेला रखता है। जो निफ्टी बढ़ता है ना, अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ता है तो उसमें 11 पॉइंट का योगदान किसका रहता है, इस भाई का, अकेला 11% रखता है 50 स्टॉक में। HDFC बैंक 8.5% रखता है, ICICI बैंक 8% रखता है, इन्फोसिस 7% रखता है। तो ये मैंने जो जो डिस्कस किया आप देख लीजिए, TCS 4.10% रखता है। तो ये स्टॉक सब चले ही नहीं और तुम ऑल टाइम हाई पहुंच रहे हो, किनकी बदौलत, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक को चला के। तो दिस तेजी इज रियली ए फेक वन, आई कैन से। रेस्ट ऑल डिपेंड्स ऑन भोलेनाथ। भोलेनाथ एक ही काम करता है, जीताता है हमेशा सच्चे को है। अगर मैं झूठा निकला तो कल हार करा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत में मेरी कोई कमी नहीं। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।